रोमी 10 में जाएंगे, उस वचन को हम देखेंगे कि यदि तू अपने मुंह से, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, प्रभु जानकर अंगीकार करे, अंगीकार करना, अंगीकार करे हाँ, और अपने हृदय से विश्वास, हृदय मतलब कार्डिया से विश्वास करे, विश्वास मतलब पेस्टोस, परमेश्वर ने परमेश्वर थियोस उसे मरे में से जिलाया, मरे में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा, तो निश्चय उद्धार पाएगा, यानी शक और गुंजाइश की बात नहीं है, 100% गारंटीड उद्धार पाया है। ओके, उद्धार जो शब्द है उसमें पापों की क्षमा आ जाता है, रोगों की चंगाई आ जाता, गरीबी की श्राप से मुक्ति है, आमेन, श्राप से मुक्ति है, जादू टोना से मुक्ति है, हर बंधन से छुटकारा है। ओ लहू बहने वाली स्त्री को यीशु ने बोला तेरा उद्धार हो गया, तू चंगा हो गया। वो चंगा जो शब्द है वहां सेम वर्ड यूज किया सोजो, यहाँ पर जो उद्धार यूज किया वहां पर सोजो उद्धार किया, तो सोजो के जो पैकेट में, उद्धार के जो पैकेट में पापी का शमानी रोग का चंगाई भी है। हालेलुया, यानी उस सोजो शब्द में आपकी पॉकेट की चंगाई है, आपकी बैंक के अकाउंट भी आ जाते हैं उसमें, कि अगर आपकी बैंक के अकाउंट खा लेंगे तो बैंक के अकाउंट के ऊपर बोलो यीशु मेरा बैंक अकाउंट का प्रभु है, यीशु मेरी बैंक अकाउंट का प्रभु है, यीशु मेरी बैंक अकाउंट का प्रभु है। प्रभु मतलब कुरियोस, व्हाट डज दैट मीन, उसका मतलब क्या है, सबका सब कुछ, सबका सब कुछ। अगर पॉकेट खाली है, पॉकेट में हाथ रख के बोल यीशु मेरा पॉकेट का प्रभु है, हाँ, तो पॉकेट खाली नहीं रह सकता है। बहन लोग अगर आपकी किचन खाली है, देख के बोलो यीशु मेरा किचन का प्रभु है, आपका किचन खाली नहीं हो, भर जाएगा वो। कि यदि रोमी 10 छाप का पहला जो है प्रभुता और अधिकार को दर्शाता है, रोमी 10 का नाम कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, प्रभु जानकर, प्रभु जानना है, जानना जो शब्द है गैनस्को, 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 अंदर से अब जान लिया कि वही है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है भाई, यीशु कोई क्रिश्चियन लोग के परमेश्वर नहीं, वही है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है भाई। एक दिन मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चे, उसके सामने तुझे खड़ा होना है, वही है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है भाई। इस प्रभु को ना आप बना सकते हैं, ना आप खड़ा कर सकते हैं, ना आप बैठा सकते हैं, ना आप लेकर चल सकते हैं, ना आप चर्च बिल्डिंग में बैठा सकता है, इसने आपको बनाया है। वो कहता है कि माँ के कोख में तू आने से पहले मैं तुझे जाना है, वो तुझे जानता है, आमेन। तो प्रभु जानकर, सबका प्रभु मतलब कुरियोस, सबका सब कुछ, ज्ञानस को जानकर अंगीकार करना, अंगीकार करना, किसी को बोलो अंगीकार करना, समान लिखो मतलब बोलना, समान बोलना, अंगीकार मतलब जैसे परमेश्वर बोल रहा है वैसे तुझे बोलना है, that is called confession, यानी बोले परमेश्वर क्या बोलता है, बोले परमेश्वर की बोली कहां पर है, इसमें है भाई, यानी इसके जैसे तेरे को बोलना है, that is called confession, confession means homologia, homos मतलब so वही चीज, समान लिखो मतलब बोलना, यानी परमेश्वर के जैसे बोलना, मेरा बेटा मेरा नकल करता है। आप आत्मिक क्षेत्र में आपके डैडी जैसा दिखना चाहिए, स्वर्गीय डैडी जैसा दिखना चाहिए, मेरी बेटी आप स्वर्गीय डैडी जैसा दिखना चाहिए। आपको मालूम है, मैं एक चीज बता, नहीं बता, डैडी फीमेल नहीं है, नहीं नहीं नहीं, आत्मा में जेंडर नहीं है भाई, ये जान लो आप, आत्मा में जेंडर नहीं है। आपको मालूम है, आपके शरीर को बनाने से पहले से प्रभु ने आत्मा में आदम और हवा को बना दिया था, आमीन। यहाँ पर लिखा है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना, यानी होमोलोगिया, होमोलिगो, यानी होमोस, अंगीकार करे और अपने हृदय कार्डिया, कार्डिया, कार्डिया से कार्डियोलॉजिस्ट, विश्वास करे पिस्टोस के परमेश्वर ने, थियोस ने उसे मरे हुए में से जुलाया, तो निश्चय क्या पाएगा, उद्धार पाएगा, सोजो, आमीन। रोमी 10 का 10 वहां पर लिखा, क्योंकि नीतिमत्ता के लिए, ये जो शब्द है भाई, ये नीतिमत्ता, क्योंकि आपकी बाइबल में क्या लिखा है, धार्मिकता, गलत काट दे उसको, इतना लंबा काट देना, ऐसा काट दो, धार्मिकता हो ही नहीं सकता, ये नीतिमत्ता ये भी शब्द नहीं है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है, हृदय से विश्वास, अंदरूनी भाग से विश्वास, विश्वास तेरे मन से नहीं होता है, विश्वास तेरा अंदरी हृदय काडिया से होता है। लव इसलिए सबसे समझने की कोशिश मत करो, बस मेरे को समझ में नहीं आता, तो समझने की दरकार नहीं, अंदर से विश्वास कर ले, आत्मा से पकड़ ले, यहाँ से मत पकड़ने की कोशिश कर, यहाँ से पकड़ ले, आत्मा से, काडिया से, अंदरूनी भाग से पकड़ ले। क्या क्या नीतिमत्ता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है, हाँ, और उद्धार के लिए, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, उद्धार यानी सोटेरियो, सेम वर्ड, सोसो, यू नो दिस इज जस्ट अ सिंपल सेम वर्ड, के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ओके, लेट्स गो टू दैट वर्ड नीतिमत्ता, देखे यहां सुनी, इसका अर्थ जो है धार्मिकता नहीं है, इसका अर्थ है इक्विटी, हिस्सेदार। देखा अब मैं क्यों बोला, मैं ट्रांसलेट किया इसको, हिस्सेदार लिख देना, आपके बाइबल में हिस्सेदार लिख देना,
यानी परमेश्वर जैसे तू अंगीकार कर लेता है, परमेश्वर जैसा पवित्र तू बन जाता है, उसकी निधिमत्ता के वस्त्र जैसा पवित्र है वो, वैसा वस्त्र प्रभु तुझे पहना देता है। तू उसके समान पवित्र हो जाता है, तू पवित्र बनने की दरकार नहीं, तू है। गले से वहां पर गलती जाता है, जो दिया गया उसको बोला मेरे को दे दो दे दो दे दो, लिखो इसको नीतिमता डायकासोनी यानी इक्विटी यानी हिस्सेदार हो गया तू उसके righteousness में। You know, you have become a partner in his righteousness. You have become a partner in his holiness. हिस्सेदार बन गया। Amen. Okay, 10 के 11 जल्दी से जाएंगे आगे। क्योंकि हाँ, पवित्र शास्त्र यह कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई में कितना कोई आया था, सब कोई आ जाता, जो कोई में सब कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। आमीन, वो लज्जित नहीं होगा, क्योंकि एक दिन प्रभु के सामने खड़ा होगा और उसके नित्यमत्ता के वस्त्र को पहनकर आप खड़ा होगा और आप कभी लज्जित अफज्जित नहीं होगा। संसार अपने वस्त्र पे खड़ा रहेगा, लेकिन तू यीशु के वस्त्र पे खड़ा रहेगा, उसके नित्यमत्ता के वस्त्र पे खड़े रहेगा और पिता तुझे जब देखेगा वो यीशु दिखाई देगा। कितने लोग सुन रहे हैं, जोर से बोलो, मैं सुन रहा हूँ। ओके, आगे पढ़ेंगे। So, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके, तो क्या मतलब प्रभुता अधिकार को दर्शाता है। ओके, यहाँ पर कुलिशियो 2:6 में लिखा है, तो सो जैसे तुमने मसीह यीशु को क्या करके, प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, ग्रहण कर लिया मतलब पैरा लंबानो मतलब जबरदस्ती लेना, पैरा मतलब बाजू में लेना, यानी जबरदस्ती बाजू में लेना। ओके, कर दिया, वैसे ही उसी में चलते रहो मतलब पेरी पैटियो मतलब यू नो कुचल कर, पैटियो मतलब चलना यू नो राउंड, उसकी कुचल कर उसे चलना। हमें तो प्रभु जब तेरे जीवन का प्रभु बन जाता है, यीशु जब तेरे जीवन का प्रभु बन जाता है, तू जब चलता है शैतान को कुचल कर चलता है, परिस्थितियों को कुचल कर चलता है, हर परेशानी को तो कुचल के चलेगा। अपने सिर के ऊपर हाथ रख के बोलो, यीशु मेरा प्रभु है, मैं नहीं डरूंगा। मैं अपने आप को बार बार बोलते रहो, मैं नहीं डरूंगा। कुलिशदों का साथ और उसी में जड़ पकड़ते, उसी में जड़ यानी उस प्रबलता में जड़ पकड़ कर और बढ़ते जाओ। कितना? आमेन। और जैसे तुम सिखाए गए, हाँ, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। वाह,